Hello everyone, in this video we will discuss important question answers of MEG 12. So important questions की बात करेंगे जो repeated है या फिर expected questions कह सकते हो जो कि आपके exam में आ सकते हैं MEG 12 के. So आपके exams on head हैं आने ही. So question 1 है इसका, the geography of Canada has played a major role in shaping the Canadian literature imagination. लिटरेरी इमेजिनेशन. सो इसमें बताना है कि किस तरीके से जो ज्योग्राफिकल एरिया है कनाडा का, उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है लिटरेचर के फील्ड में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट एन एसे ऑन द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 20th सेंचुरी कनाडियन पोइट्री. तो जितनी भी कनाडियन पोइट्रीज हैं आपकी एमईजी 12 में, जो आपके इमीजिएट 12 है वो पूरी कनाडा के ऊपर ही बेस है, चाहे वो उनका नोवेल हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो फिक्शन वर्क हो. सो यहाँ पे बताना है कि उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्वालिटीज थी कनाडियन पोइट्रीज की. तो आपने जितनी भी पोइट्रीज पढ़ी है उनकी क्वालिटीज यहाँ पे मैंशन करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. एडवुड अ नेमलेस प्रोटोगोनिस्ट इन सरफेसिंग रिप्रेजेंट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द अल्टरनेटेड ह्यूमन बींग्स. इसको डिस्कस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एसे ऑन द नेरेटिव टेक्निक्स ऑफ द टिन फ्लूट. टिन फ्लूट की नेरेटिव टेक्निक्स के बारे में आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. मिशेल ओदांते द इंग्लिश पेशेंट डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फ्लैश बैक मॉन्टेज एंड मेमोरीज. इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि इसमें किस चीज को एक्सप्लेन किया है. इसमें फ्लैशबैक है, मॉन्टेजेस है और मेमोरी है. इस चीज को यहाँ पर इलाबोरेट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. डिस्कस द थीम्स ऑफ नॉस्ट्रैल्गिया इन रोहिंगटन मिस्ट्री स्विमिंग लेसन. इसमें से आपको एक्सप्लेन करना है इसके थीम्स को. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द थेमेटिक एस्पेक्ट ऑफ द एस्टेसी ऑफ रीटा जॉय. रीटा जॉय की जो एस्टेसी है उसको एक्सप्लेन करना है, उस पर कमेंट करना है, उसके थेमेटिक एस्पेक्ट पे कमेंट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एसे ऑन द रिसेंट डेवलपमेंट इन कनाडियन क्रिटिसिज्म. तो जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं इन द फील्ड ऑफ कनाडियन वर्क और कनाडियन लिटरेचर, तो उसके बारे में आपको बताना है. यहाँ पे लिखना है कि किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, किस किस फेजेस में डेवलपमेंट चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे इलाबोरेट करनी है. सो कनाडियन पोइट्री के बारे में आ जाता है उसके, या फिर उसकी पोइट्री को लेके आ जाता है, या फिर उसकी जो डेवलपमेंट हुए हैं वहां पे उसको लेके आ जाता है. और इसमें जितने भी वर्क हैं उसमें कभी कभी इनके नैरेटिव टेक्निक्स या फिर थीम्स को लेके भी पूछ लिया जाता है कि कौन से इसके थीम्स हैं और कौन सी नैरेटिव टेक्निक्स हैं. जब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यही है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड होता है, जो ज्योग्राफिकल शेप है कनाडा की उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से उसकी शेप है, किस तरीके से उसमें बताया है. और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 20th सेंचुरी. सो ये क्वेश्चन भी रिपीट करता है कि जो मेन करेक्टरिस्टिक है 20th सेंचुरी का कनाडन पोइट्री का उसको बताना है. तो ये 2 साल कंटिन्यू रिपीट हुआ था, 2018 और 19 के अंदर ये दोनों, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो था कि जो करेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं आपसे 20th सेंचुरी की कनाडा इन पोइट्री की, वो रिपीट हुआ. इट मीन्स इसको स्किप नहीं करना है, इसको कवर कर लेना जल्दी से. सरफेसिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. उसके बाद अगर मैं रिपीटेड की बात करूँ तो जो मिशेल ओदांते हैं उनका जो इंग्लिश पेशेंट है, इंग्लिश पेशेंट पे क्वेश्चन रिपीट करता है, बहुत बार रिपीट करता है, लास्ट 3 ईयर से रिपीट कर रहा है. कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाता है कि वो पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट है, कभी उसमें फ्लैशबैक का यूज किया गया है, कभी इसको डिस्कस करो. तो मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. कभी कभी ऐसे जो है वो टिप्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कभी कभी पूछा जाता है कि कनाडियन शॉर्ट स्टोरी पे एक ऐसे लिखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे लिखना है कनाडियन पोइट्री के ऊपर. तो मतलब जितने भी इस बुक में पोइट्रीज है उनको ध्यान में रख के उस आंसर को प्रेजेंट करना है अगर पोइट्री पे क्वेश्चन आता है तो, और अगर कनाडियन शॉर्ट स्टोरी पे आता है तो शॉर्ट स्टोरी जितनी भी पढ़ी है आपने 12 में उनको देखकर अपने आंसर को प्रेजेंट करना है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछ लिया जाता है. यहाँ पे कनाडियन थिएटर को पूछ लिया जाता है तो कभी कभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछ लिया जाता है जो कनाडा का लिटरेचर है या फिर जो इसका क्रिटिसिज्म है इसको लेके पूछ लिया जाता है. सो बेसिक ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट करते हैं, इनकी वर्डिंग्स आगे पीछे हो जाती है, चेंज हो जाती है.
तो आप इसे कवर कर लीजिएगा बिफोर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस के साथ जो रिपीट हुए थे या फिर जो आए थे या फिर टॉप 10 क्वेश्चंस जो आप कह सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।